हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या माने हैं? अत्यंत शुद्ध सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में। ये श्लोक क्या है? परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अजो विभुम। पुरुषम शाश्वतम विषम अजो विभुम। श्लोक याद नहीं आ रहा। तो उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम ब्रह्म परम भवान, परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। ये श्लोक क्या है? कितना नंबर श्लोक याद भी नहीं आ रहा प्रभु जी। कितना नंबर? दसम अध्याय का 9 नंबर शायद। दसम अध्याय का जो विराट रूप का दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उस समय ये श्लोक को पाठ किया गया था। परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पुरुषम भवान पुरुषम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अजो विभम आदि विभुम। रुकिए एक सेकंड, निकाल रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। दिखाई दे रहा है प्रभु? हाँ, ये देखिए अर्जुन। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। परम ब्रह्म भगवान क्या है? परम ब्रह्म परम धाम वो सबका धाम है। और पवित्रम पवित्रम मतलब शुद्ध। परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजो विभुम आहुस्तार स्वयं सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं के चैव प्रसिद्धि में। माता जी निकला श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते दसम अध्याय 12-13 नंबर श्लोक। अनुवाद क्या है थोड़ा पढ़िए तो। दसम अध्याय के 12-13 नंबर श्लोक में अनम्यूट कर लीजिए। अध्याय 11 हरे कृष्ण अध्याय दस तो विराट रूप नहीं है मतलब। हाँ, कौन सा गीता है? इस्कॉन वाला ही गीता है ना, मैंने जो दिया था। हाँ, आप ही का दिया हुआ। हाँ, तो दसम अध्याय में जाइए, 12-13 नंबर श्लोक निकालिए। हरे कृष्ण अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामादि देवम अजम विभुम आस्वाद्मनि मृष्या सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीत।
श्री में हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्ण, तात्पर्य इन बस दो बस श्लोकों में भगवान बस आर नहीं बस अनुवाद। तो यहाँ पे है जो श्रील प्रभुपाद जो बताए कि भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध मतलब पवित्रम परमम भवान है ना, पवित्रम मतलब अत्यंत शुद्ध और सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में मतलब परम ब्रह्म के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद का कोई भी तात्पर्य क्या है, किसी न किसी शास्त्रों का श्लोक है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य हम लोग को बहुत ही गंभीरता के साथ स्टडी करना है। या तो किसी उपनिषद का श्लोक होगा, या तो कोई वेद का श्लोक होगा, या तो भगवद गीता का श्लोक होगा, या चैतन्य चरितामृत का श्लोक होगा, कोई ना कोई किसी शास्त्र का श्लोक होगा, प्रभुपाद का एक एक पैराग्राफ है ना। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती, किसके भौतिकता में, व्यक्तित्व में भगवान के। अतः जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वो उन तक नहीं पहुंच सकता। भौतिक अनुराग का अर्थ क्या है, भौतिक अनुराग का अर्थ होता है आसक्ति, भौतिक आसक्ति कि मेरा तो ICICI में इतना फिक्स डिपोजिट किया हुआ है, लेकिन मैं अगर दिसंबर में मरूंगा और 2023 के जनवरी में वो पैसा उठेगा, तो ऐसे जो चिंता करते हैं ना, जो भौतिक अनुराग रहेगा तो व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी मेटेरियल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। विश्वनाथ प्रभु जब आप प्रसाद पाने जाएंगे कोई बात नहीं, आप सिर्फ वीडियो को और वीडियो ऑफ करने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग को भी थोड़ा प्रसाद दिखा देने से हम लोग भी थोड़ा कृपा धन्य हो जाएंगे, है ना। हम प्रसाद पाएंगे, अभी 4:30 बज गया है ना। हाँ ठीक है, आप प्रसाद हम ले लीजिए, बर्थ बर्थ मींस बर्थ, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से अर्थात रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। हम लोग इतना दिन जो क्लास किए 5 महीना, रजोगुण तमोगुण तो हर किसी को पता है, नंद किशोरी माता जी को भी पता है। रजोगुण तमोगुण मतलब तमोगुण का अर्थ होता है अज्ञानता, प्रमाद, भ्रम। रजोगुण मतलब करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो अरब रुपया कमाएंगे, 2 ताला बिल्डिंग है तो 10 ताला बनाएंगे, है ना। रजोगुण में व्यक्ति लोभी बनता है और तमोगुण में व्यक्ति अज्ञानी बनता है। तो अगर कोई भक्ति जीवन में आना चाहते हैं, भक्ति जीवन का पहला प्रारंभिक अवस्था क्या है, ये तमोगुण रजोगुण ये दोनों चीज को पार करके सत्वगुण में आना है। सत्वगुण का अर्थ क्या है, सत्वगुण का अर्थ होता बुद्धिमान व्यक्ति, पूर्णतया शुद्ध रहता है, हरि नाम जपता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की इच्छा प्रकट करता है, एकादशी पालन करने की इच्छा प्रकट करते हैं, शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा करता है, शास्त्रों को समझने की इच्छा करता है, सत्संग में जाने की इच्छा होती है, तो ये सब इसको कहा जाता है सत्वगुण। तो कहने का तात्पर्य क्या है, काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णाओं से मुक्त हो जाना चाहिए, प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। प्रकृति का जो जैसे नेचर है ना, नेचुरली जैसे बोलते हैं ना कि नेचुरली कोई व्यक्ति का बुखार आया है तो क्या बुखार आना उनका नेचुरल कंडीशन है, नहीं, बुखार आना तो एक अनकंडीशनल, वो तो प्रतिकूल है। अनुकूल में क्या है कि व्यक्ति का बुखार नहीं आता और प्रतिकूल में व्यक्ति का बुखार आता है। उसी प्रकार जो रजोगुण और तमोगुण क्या है, वो व्यक्ति का बुखार है, और सत्वगुण क्या है, व्यक्ति का नेचुरल कंडीशन है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं
कि हम सब अगर सत्वगुण में है इसका मतलब हम लोग अपने स्थिति में स्थित है, लेकिन अगर हम लोग लोभी और लालची काम क्रोधी है इसका मतलब हम लोग अपने स्थिति में सिचुएटेड नहीं है, स्थित नहीं है, हमारी जो वास्तविक जो स्थिति है उससे हम लोग गिर चुके हैं। और अगर हम लोग इस स्थिति में हैं, भागवतम कथा श्रवण कर रहे, सत्संग में जा रहे, हरिनाम कर रहे, एकादशी पालन कर रहे, इसका मतलब हम लोग अपने नेचुरल कंडीशन में स्थित है। इस चीज को समझना है, ये है थर्मोमीटर। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्वगुण में आता है। एकांत वन में जाकर, एकांत वन का अर्थ होता है वृंदावन, और वृंदावन का अर्थ होता है वन मंदिर, भगवान जहां पे रहते उसी को वृंदावन कहा जाता है। तो मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सान्निध्य प्राप्त हो सकता है, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्रुव महाराज जब घर परिवार छोड़ने जा रहे थे तो उनकी माँ ने, जब सतमा सौतेली माँ सुरुचि ने क्या कहा कि राजा की गोद तो एकमात्र भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। तो अपनी सच्ची माँ के पास आए, सुनीति के पास, और बोले कि भगवान विष्णु ही मुझे राजा की गोद, मतलब मेरे पिता की गोद में बैठा सकते। तो वो बोले कि भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु कौन है माता? तो सुनीति बोले कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान भगवान है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, अगर उनकी शरण में जाएंगे तो वो तो राजा की गोद तो क्या अपनी गोद में भी बैठा सकते हैं। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को ये चीज बताया। तो जैसे ध्रुव महाराज को बताया तो ध्रुव महाराज ने पूछा, माँ वो भगवान विष्णु मिलेगा कहाँ? तो सुनीति माता ने बोला कि मैंने तो सुना और प्राचीन काल के समस्त ऋषिगण वन की ओर जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, और वन की ओर गए थे, प्राप्त किया या नहीं किया वो तो सेकंड मैटर है, सेकेंडरी थिंग, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग वन में जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, तो अभी हम लोग को इसके माध्यम से एक चीज सीखना है कि ध्रुव महाराज वन गया और वन में जाके क्या उसको भगवान मिला, या तपस्या करना पड़ा या भक्ति साधन करना पड़ा? गीता माता जी क्या क्या करना, कि वन में गए भगवान क्या ऐसा कोई खिलौना है, आपेल के पेड़ में जाके आपेल को तोड़ के खा लो क्या भगवान, ऐसा कुछ है? हिमाचल प्रदेश के वन में जाकर एक आपेल का पेड़ में जाके एक आपेल को तोड़ लो और खा लो, क्या भगवान ऐसा चीज है वन में जाने से मिल जाएगा? श्रद्धा चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। हाँ, मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए, पहला क्वालिटी, और द्वितीय की अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए। हाँ, अध्यात्मिक धरातल में स्थित और भौतिक आसक्ति से रहित, तभी उसे भगवान का सान्निध्य प्राप्त हो सकता है। बुलू कब लगता है कपड़े में, उजाला कब लगता है? जब कपड़ा क्लीन रहेगा। अगर कपड़ा गंदा रहे तो क्या बुलू लगेगा, चमकीला ब्राइटनेस आएगा सफेद धोती में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा गंदा है। उसी प्रकार ये जो हम लोग विभिन्न जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है, कुत्ता बिल्ली भेड़िया ये सब जो हम लोग गुजर के आए हैं इस जीवन में, ठीक है, तो जो गंदगी जो मैला लग चुका है उसको साफ करने के लिए पहले हरिनाम का आश्रय लेना है, और हरिनाम करते करते चेतो दर्पण मार्जनम भगवत महादवाग्नि निर्वापनम, जब हम लोग पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान का सान्निध्य होगा, अध्यात्म की धरातल स्तर में हम लोग पहुंच जाएंगे और भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, तब बुलू उजाला चढ़ेगा धोती में, जब पूरा क्लीन रहेगा धोती। महिला में जाके उजाला डाल दिया कुछ नहीं होगा, बेकार लगेगा, है ना। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, पहले हम सबको अपने आप को शुद्ध होना। तो एक ही साथ में हम लोग को दो चीज करना है, जैसे कुछ चीज होते हैं ना कि
पहले इसके एग्जांपल कैसे थे? एक गिलास है, गिलास खाली है, तो उसमें पानी डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं मतलब, चलिए एग्जांपल सेट नहीं होगा, चलिए इसका एग्जांपल नहीं देंगे। अल्टीमेटली हम लोग समझ गए एक साथ में आपको दो चीज करना है, शुद्ध भी होना है और अध्यात्मिक धरातल में स्थित भी होना है। मान लीजिए आप मीट मछली नहीं खा रहे, चार नियम पालन कर रहे लेकिन हरि नाम नहीं जप रहे, यह है एग्जांपल, गिलास का उदाहरण नहीं था, यह है एग्जांपल। चार नियम पालन करने का अर्थ क्या है? व्यक्ति पशु स्तर से मनुष्य के स्तर पर आता है, और हरि नाम जप करने का अर्थ होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिंग कर रहा है अपने भक्ति जीवन में, मतलब अध्यात्म जीवन में वो सिचुएटेड हो जाता है, प्रगति। तो अगर मान लीजिए आप चार नियम पालन कर रहे हैं लेकिन हरि नाम जप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप कपड़ा तो धो दिया, पूरा क्लीन किया, लेकिन उजाला उसमें नहीं डाले, तो क्या चमकीला दिखेगा? नहीं। उसी प्रकार आप हरि नाम कर रहे हैं लेकिन चार नियम पालन नहीं कर रहे, फिर भी काम नहीं हो, मतलब आप उजाला दिए लेकिन सर्प एक्सेल देके उसको धोया नहीं, तब भी नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है यहाँ पे, श्लोक प्रभुपाद जो बताए कि व्यक्ति को बन जाना है, बन जाना मतलब मंदिर जाना है, मंदिर जाना मतलब भगवान के पास जाना है, तो भगवान के पास जाने का मतलब पहले साथ साथ में अपना शुद्धिकरण भी करना है चार नियम पालन करने के माध्यम से, और हरि नाम भी जपना है, तो एक ही साथ में दोनों काम हो गए। इसीलिए श्लोक प्रभुपाद बोले है चार नियम का पालन और सोलोमाला का जप, सोलोमाला के जप में प्रोग्रेसिंग और चार नियम के पालन में परिष्कृत शुद्धिकरण। ठीक है, एग्जाम्पल। तो अतव सर्वोत्तम विधि यही है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है, तो नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद बोले कि जो नया डिवोटी होता है, न्यू भक्त, उसको बन जाने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि बन जाके वो करेगा क्या, बंदर के साथ खेलेंगे, हिरण को पकड़ेगा। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि बन यद्यपि एक अच्छा प्लेस है, बहुत सुंदर जगह है, सत्यगुण का है, लेकिन फिर भी अगर वहां पे जाकर हरि आश्रित मतलब भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो बन जाना व्यर्थ है। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना है, भगवान के मंदिर में जाना है, क्योंकि वही है असली वन, वृंदावन, भगवान का धाम, जहां पर भगवान रहते हैं वही पर वृंदावन है। आपके घर में जो ठाकुर बाड़ी है ना, जहां पे आप रोज पूजा करते हो, वही आपके लिए वृंदावन है। आपके लिए क्या, वो वृंदावन ही है। वृंदावन का अर्थ ही होता है जहां पे भगवान का निवास स्थान हो। ठीक है, तो नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में बन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त है और अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। लोग वृंदावन क्यों जाते हैं, मायापुर धाम क्यों आते हैं? अपने आप को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद तो वृंदावन को त्यागा और न्यूयॉर्क गए, अमेरिका, क्यों? क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो वृंदावन आके शुद्ध नहीं बनते, बल्कि किसी भी स्थान को वृंदावन बदल देता है, वृंदावन में बदल देता है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का अलौकिक गुणावली। हम लोग वृंदावन मायापुर क्यों जाते हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए, आध्यात्मिक चार्ज करने के लिए, कि थोड़ा धाम दर्शन करते हैं, भगवान का मंदिर का दर्शन करते हैं, तो थोड़ा अपने आप को शुद्धिकरण करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि, हमारे आचार्य, ये वृंदावन मायापुर इसलिए नहीं जाते कि अपनी शुद्धिकरण किया जाए, बल्कि बाहर जगत में जाते हैं। मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 10 साल हरिनाम जपे,
और जपने के बाद क्या वो वहां पर रहा? नहीं, वो चले गए कलकत्ता, क्यों? प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में वृंदावन धाम को छोड़कर चला गया अमेरिका, क्यों? क्योंकि अमेरिका को वृंदावन बनाने के लिए। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्त, ये भगवान के अद्भुत भक्तों की अलौकिक गुणावली। तो नारद मुनि का काम क्या है कि वो एक लोक से मनुष्य लोक, देव लोक, किन्नर लोक, गंधर्व लोक, ऋषि लोक, मुनि, अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है। वो कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। अर्थात ये जो भक्ति में जो कुछ कुछ विधि विधान है, विधि विधान जो है, तो विधि विधान जो है ना वो सेकेंडरी है। सच्चा विधि विधान के जैसे एग्जाम्पल दिए थे कुछ दिन पहले कि एक रेलवे फाटक है, तो रेलवे फाटक किसके लिए प्रतिबंध है? चार चक्का वाहन वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए, या हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के लिए रेलवे फाटक का कोई रोल है? रेलवे फाटक क्या एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन चार चक्का गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल, साइकिल, गोरू गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सबको रोक सकते हैं। जब तक ट्रेन पार नहीं होगा तब तक आप पार नहीं हो सकते। तो ये जो विधि विधान किसके लिए है? जो भक्ति जीवन में निकृष्ट है, लेकिन जो भक्ति जीवन में उन्नत हो चुके हैं ना, वो रेलवे फाटक से भी बढ़कर है। रेलवे फाटक मतलब विधि विधान, भक्ति का विधि विधान। और भगवान के उन्नत भक्त प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सब ये नियम से भी परे है। नियम से परे है, इसका एग्जाम्पल क्या है? विधि विधान के अनुसार शास्त्रों में कहा गया कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद क्या थे? सन्यासी थे या गृहस्थ थे? सन्यासी थे। तो श्रील प्रभुपाद सन्यासी अवस्था में 70 वर्ष की आयु में 7 समंदर पार करके चला गया अमेरिका। तो प्रभुपाद ने विधि विधान को तोड़ा या नहीं तोड़ा? यस। किंतु शुद्ध भक्तों के लिए विधि विधानों को तोड़ने का कोई रोल नहीं है। अगर रेलवे फाटक के ऊपर अगर कोई एक एरोप्लेन ऊपर से चला जाए तो कोई नहीं बोलेगा कि तुम रेलवे फाटक की क्रॉसिंग को तोड़ दिए। नहीं, उसके पास उतनी क्षमता है कि रेलवे फाटक को छुए भी नहीं और ऊपर से पार हो जाए। तो हमारे जो ऐसे आचार्य जो है ना, उस एरोप्लेन की तरह है, हेलीकॉप्टर की तरह है। वो भक्ति की जो विधि विधान है वो सब हम सब तुच्छ भक्त के लिए है। लेकिन हमारे आचार्य जो है ना, वो भक्ति के विधि विधान से भी परे है। रेलवे फाटक विधि विधान, समझ गए? पूरा क्लियर एवरीथिंग? तो ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। तो इस प्रकार जो विधि विधान है ये हमारे जैसे भक्तों के लिए है, हम जैसे भक्तों के लिए है। भगवान के जो शुद्ध अति शुद्ध भक्त है, श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वो सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंट। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम के आज के जो श्लोक है, श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 20 एवं 21 हमारा यही पर संपूर्ण होता है। तो इस संबंध में ये जो दो श्लोक के ऊपर या किसी दूसरे विषय के ऊपर किसी भक्त का कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ नंद किशोर माता जी बताइए। बस
सुने हैं प्रभु जी हम। हाँ हम तो अभी कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। क्यों, कल भी तो यही क्वेश्चन था, आज भी यही क्वेश्चन रहेगा, कल भी यही रहेगा। ऐसे इसका मतलब क्या है, हम दो घंटे ऐसे बकबक करके जाएंगे और आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन नहीं। प्रभु जी सुने, मतलब श्रवण तो किए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दिया, एक एग्जांपल दिया था। श्रीमद् जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज जब श्रील प्रभुपाद के क्लास में आते थे तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि दो क्वेश्चन रेडी करके रोज लाना, नहीं तो क्लास में मत आना। श्रील प्रभुपाद किसको बोले थे? श्रीमद् जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज को। क्यों बोले थे? ताकि आप क्लास को सीरियसली सुन सके, क्लास को सीरियसली समझ सके। बिना क्वेश्चन के तो हर कोई सुन सकता, हम लोग भी फिल्मी गाना सुनते हैं तो फिल्मी गाना सुन के कोई हीरो हीरोइन बन गया क्या? हम लोग भी तो अमिताभ बच्चन फाइटिंग करता है या अमरेश पुरी को एकदम मार के एकदम बाहर में फेंक दिया तो क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे क्या? प्रभु जी ये थोड़ा प्रभु जी ये गांव है ना, थोड़ा सा ये नेटवर्क बढ़िया से मिल नहीं रहा है। आप दूसरा बहाना मत कीजिए, ठीक है? नेटवर्क नहीं मिल रहा या गांव है या शहर है ये सब नहीं, थोड़ा सा बढ़िया से नेटवर्क नहीं मिलता है। ठीक है प्रभु जी हम फॉलो करेंगे, कल से हम क्वेश्चन दो रखेंगे। 10 मिनट हम क्यों छोड़े, अभी तो 4:52 हुआ, 5 बजे क्लास को खत्म करेंगे। मैं सोचा कोई भक्त का कुछ प्रश्न रहे, 5 बजे हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन को रेडी करके रखना है, उसे कहा जाता है सीरियस क्लास। मेरे गुरु महाराज भक्ति महाराज बोले हैं कि अगर डायरेक्ट बोले हैं, क्योंकि असली श्रीमद् भागवतम क्लास होता है क्वेश्चन आंसर। हम लोग पूरा देखे महाभारत में धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे, संजय उत्तर दिया भगवत गीता का, अर्जुन प्रश्न कर रहे, कृष्ण उत्तर दिए भगवान श्री कृष्ण, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे, सोनकादि ऋषिगण प्रश्न कर रहे, शुद्ध गोस्वामी उत्तर दे रहे। तो उसी प्रकार अगर हमारी क्लास में अगर प्रश्न नहीं रहेगा, इसका मतलब हमारा क्लास नहीं है, ये भागवतम नहीं है, महाभारत नहीं है, रामायण नहीं है। क्लास में क्वेश्चन होना चाहिए, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हो तो प्रभु जी हम जो घूमटा लगाए हुए है ये क्यों लगाते हैं? आपका तो घूमटा नहीं है, ये भी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर दूंगा कि प्रभु जी मैं तो नंद किशोरी माता जी हूं, तो ये जो माता जी लोग घूमटा क्यों लगाते हैं? कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन करना। आज से मैं सभी भक्तों को बोल रहा हूँ, चलिए गीता माता जी हाथ उठाए। हरे कृष्णा, मेरा ये प्रश्न है कि नारद मुनि का, जब उनको पहले वो शुद्ध थे इसलिए तो भगवान प्राप्त हुए, दूसरे बार क्यों नहीं प्राप्त हुए? शुद्ध तो हर समय शुद्ध होना चाहिए, बाद में उनको क्यों शुद्ध नहीं ये कहा गया? कौन सा पहले नहीं थे, मतलब फिर से एक बार आप बताइए। उनको पहले उनको भगवान प्राप्त हुए, बाद में दोबारा उनने देखने का प्रयत्न किए तो उनको नहीं दिखा, कारण यह है कि उनका उनमें अशुद्धता नहीं थी। यही तो इस श्लोक में बताया गया कल के। नहीं, आप सुनिए, मैं आपको पहले चीज को समझा रहा हूँ। पहले जो नारद मुनि था ना, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे ही, किसी ऋषि के श्राप के कारण वो अगले जीवन में दासी पुत्र बना। तो दासी पुत्र बनने के कारण, दासी पुत्र बनने के कारण जब उनकी माँ मर गई, नारद मुनि की माँ मर गए, तो नारद मुनि कहाँ चले गए? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में उनकी माँ मरी और नारद मुनि चले गए उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर जाते जाते मानसरोवर जैसे जलाशय में पानी पिया, खूब स्नान किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। दासी पुत्र ही, अभी नारद नहीं बना, तो दासी पुत्र ही है, ठीक है? तो स्नान किया, फिर जब भगवान का ध्यान किया, जैसे भक्ति वेदांतों ने उनको सिखाया है, तो ध्यान करते करते तो भगवान को दर्शन किया। तो दर्शन करने के बाद कुछ ही भगवान को जैसे देखे तो इतना आनंद के उनके अश्रु बह रहे हैं कि वो भगवान को अच्छी तरह देख नहीं पाया, तो जिसके कारण पूरी तरह से बिहल उठा नारद मुनि। बिहल उठने के बाद वो पुनः ट्राई किया भगवान को देखने का, उसके बाद जब नहीं देख पाए तो इतना संतप्त हो गए, इतना दुखी हो गए। पहले पुस्तक की और ध्यान नहीं दीजिए माता जी, मेरी बात को पहले सुनिए, उसके बाद बुक में जाना। तो जब नारद मुनि जब इतना दुखी हो गए तो भगवान उनको इंस्पिरेशन कुछ बानी बोलने के लिए ये जो अभी का श्लोक है,
कि इस जीवन में तुम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो, इसीलिए तुम अगले जीवन में जब पूर्णतया 100% भक्ति करोगे तब मेरा दर्शन करोगे। मतलब इस जीवन में, इसी दासी पुत्र के जीवन में अगर तुम 100% भक्ति करोगे तो अगले जीवन में तुम मेरा सान्निध्य प्राप्त करोगे। ये है भाव। अभी समझ में आया? उस जीवन में वो प्राप्त कर चुके थे इसलिए इस जीवन में, उस जीवन में प्राप्त किया नहीं था, हृदय में थोड़ा सा आभास मिला था, हृदय में थोड़ा भगवान को दर्शन किए। ऐसा नहीं कि भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले कि नारद अगले जीवन में, हाँ ठीक है बाय बाय, ऐसा नहीं हुआ कुछ। एक्चुअली नारद मुनि के हृदय में भगवान थोड़ा सा प्रकट हुआ और प्रकट होने के बाद वो इतना आनंदित हुआ आंखों से आंसू आने लगा। फिर भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, तो अंतर ध्यान होने के बाद बोले मेरे प्रभु कहाँ गया कहाँ गया, अभी तो दर्शन दिया था। तो ऐसे जब फिर पुनः ट्राई किया, फिर से ध्यान लगाया कि फिर से मैं भगवान को देखूं, तो कितना ट्राई किया नहीं हुआ, इसीलिए दुखी बन गया। और दुखी बनने के बाद भगवान इस श्लोक में, ये जो 21 नंबर श्लोक अभी हम लोग पाठ किए, इस श्लोक में भगवान आए और बोले कि चिंता मत करो, इस जीवन में तुम मुझे इसलिए नहीं देख पाओगे पुनः क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। अतः इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर तुम पूर्णतः 100% भक्ति करोगे तो अगले जीवन में तुम मेरा सान्निध्य प्राप्त। ये है कंक्लूजन। अभी क्लियर? और कोई डाउट? कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त कभी नहीं बन सकता, इसका तात्पर्य यही है। मतलब वो प्रगति करते जाओ, शुद्ध भक्त की जो बात बता ना, हर कोई व्यक्ति शुद्ध है, जो भक्त है ना वही शुद्ध भक्त है, लेकिन वो खुद समझ नहीं पाता कि मैं शुद्ध भक्त हूं। जैसे आप, अगर मैं आपको बोलूं गीता माता जी सच में आप तो शुद्ध भक्त है, अगर आपको बोलो तो आप इसे मानेंगे नहीं, लेकिन भगवान की नजर में आप शुद्ध भक्त हो। आप बोलेंगे प्रभु जी आप मुझे इतना ज्ञान दिए, आप मुझे इस दुर्ग से इतना भगवत गीता कृष्ण इतना भक्तिमय प्रदान किया जून क्लास के माध्यम से, आपकी नजरों में मैं शुद्ध भक्त हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं नहीं मानता कि आई एम ए प्योर डिवोटी, लेकिन कृष्ण की नजरों में मैं उनका भक्त हूँ। तो कृष्ण की नजर, क्योंकि कृष्ण शुद्ध है इसलिए उनकी नजर भी शुद्ध है, वो अपने भक्तों को देखता है, भक्तों को मतलब वो शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न जरूरी है। जैसे देखिए प्रश्न अगर नहीं करते तो ये आपका कंफ्यूज रहता। तो क्लास का, असली क्लास का अर्थ क्या है? प्रश्न करना। प्रश्न उत्तर के क्लास को ही असली क्लास कहा जाता है। चलिए, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी हाथ उठाए हैं, तो गीता माता जी आप क्लियर? जी जी, पूर्णतया 100%। जी जी जी, ठीक है, 100%। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप थोड़ा अपना मुखमंडल जी प्रभु जी हम सबको, कहाँ हैं आप? जी प्रभु जी जी प्रभु जी बोलिए। बोल रहे थे कि ये अभी लोक में आप बोले किन्नर लोक गंधर्व के बाद किन्नर लोक, तो कुछ किन्नर लोक पर प्रभाव डालिए प्रभु जी। हम लोग किन्नर मने ये समझते हैं कि ना नर में ना मादा में, क्या किन्नर लोक का वही अर्थ है क्या? किन्नर लोक का, किन्नर लोक का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो हम लोग जब पांचवा स्कंद जाएंगे तो वहां पर विवरण है। बानर लोक का है ये जम्बू द्वीप, जहाँ पे हम लोग रहते हैं जम्बू द्वीप है, ठीक है। और हनुमान जहाँ पे रहते हैं, उसे कहा जाता है किम पुरुष वर्ष। उसी प्रकार अलग अलग खंड है, भारत भूमि का भी अलग अलग खंड है, तो उसमें पूर्णतया डिफरेंट डिस्कशन है। तो किन्नर मतलब वो भी एक मनुष्य जैसा ही है, बट मनुष्य मनुष्य हम लोग रियल मनुष्य। जैसे एग्जांपल क्या बताए कि हमारे नर मन मदा में जिसको हीरा बोलते हैं हम लोग, वही किन्नर बोल रहे हैं प्रभु जी आप? किन्नर आवाज, देखो ये आवाज
दीपू वाला ब्लूटूथ वाला दूसरा वाला बैठा है क्या नर्मदा नदी या क्या मैं मुझे पूरा क्लियर बताइए पहले पूरा क्लियर बताइए नहीं आप सब लोक में जो वर्णन कर रहे थे हाँ जो सभी लोकों का वर्णन कर रहे थे आप उस लोक में आपने किन्नर लोक का भी जो है जिक्र किया कि तो किन्नर मतलब हम समझ रहे हैं कि ना नर में ना मादा में किन्नर जो है वो महाभारत में भी जिक्र है कि जब उतरे हैं भगवान कृष्ण जो है वो इनका भीष्म पितामह के लिए जो है किन्नर को ही आगे बैठाया गया था। अच्छा तो क्या किन्नर लोक मतलब वही किन्नर लोक है जैसे गंधर्व लोक आपने बताया। अच्छा किन्नर तो उस तरह से किन्नर लोक का भी यही वर्णन है क्या। तो भीष्मदेव वो किसको बैठाया थे जो भीष्मदेव शिखंडी भी किन्नर थे प्रभु जी हम लोग जैसा सुने हैं अभी तक। अच्छा हम लोग अभी तक सुने हैं कि शिखंडी किन्नर थे और न नर में न मादा में रहे नतीजा हुआ कि अर्जुन बने थे अर्जुन भी बने थे अर्जुन को भी श्राप मिला था अर्जुन भी एक बार बने तभी वो डांस करते थे नृत्य मतलब जो हम लोग जो बोलते हैं ना ट्रेन में ₹10 निकाल उसको बोल रहे हो जी 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 प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी वही 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 हो सकता है लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से मुझे वो उतना पता नहीं कि इसको किन्नर बोलते हैं। आज आपके मुख से सुने तो चलिए इसका स्टडी किया जाएगा और पांचवा स्कंद जो है ना हमारे श्रीमद् भागवतम में तो उसका पूरा ब्रीफली डिस्कशन है कि किन्नर लोक के वासी कैसे होते हैं किम वर्ष के वासी कैसे होते हैं जम्बूद्वीप के वासी कैसे होते हैं इसका पूरा ब्रीफली है। तो मुझे समझ में आया कि आप कन्फर्म करने के लिए आपका कोई प्रश्न नहीं था आप चीज को कन्फर्म करने के लिए वेरीफाइड लेकिन सच्चाई ये है मतलब उसको किन्नर बोलते हो मुझे पता नहीं था किन्नर हम लोग शिखंडी भी बोलते हैं किन्नर भी बोलते हैं इजरा भी बोलते हैं अभी तो उसका महामंडलेश्वर भी हो गए हैं लोग। चलिए जो ठीक है इसके बारे में हम लोग पुनः एक बार डिस्कस करेंगे इस विषय में कि किन्नर हाँ जब यही है उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनका मजाक ना ना रे हम लोग तो बहुत देते हैं दान देते हैं और बहुत पूछते हैं लोग आके जो है ना हम लोग के लिए पूजनीय होता है बाल बच्चा जब किसी का होता है तो आशीर्वाद लेते हैं हम लोग पूरा कपड़ा लत्ता सोना गहना दे के उसको अभी भी आज के डेट में भी जो है उसको पूरा के घर में खुश होके चली गई हाँ खुश होके चला गया तो उसका मन फूल चलता है हंसी लग रहा है कि मतलब वही है क्या उसलिए क्योंकि ट्रेन में हम वो आ रहे थे बिलासपुर से रांची आ रहे थे बिलासपुर से रांची मेरा टोपी पहना हुआ था तो उसके बाद तो मैं जैसे टोपी को खोला ओ ब्रह्मचारी जी हरे कृष्ण हरे उसके बाद उसके जो भी समझ में आ गया तो चलिए हम लोग इस विषय में कभी डिस्कस करेंगे किन्नर के बारे में। तो अल्टीमेटली प्रभु जी का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया और किसी का कुछ प्रश्न है नंदकिशोर माता जी कल से ध्यान रखेंगे। चलिए तो विश्वनाथ प्रभु बाकी सभी प्रभु जी गण अनम्यूट कीजिए हम लोग वांछा कल्प दूर करते हैं आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और हमेशा ये इस तरह का प्रश्न उत्तर का एक सेशन रखा जाए क्लास के अंत में 10 मिनट ताकि इसमें क्या होगा ना कि वो सम जो डाउटफुल है संदेह वो दूर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ कंफ्यूजन क्लियर चलिए वांछा कल्पतरु भस्य कल्पतरु भस्य च कृपा सिंधु भयो च पतितानंद पावने भयो हरे पावने भव वैष्णव भयो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय भक्त वृंद की जय।